नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों, भारत के तेजस MK2 फाइटर जेट का जो CDR यानी कि क्रिटिकल डिज़ाइन रिव्यू है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, और इससे पहले जो PDR यानी कि प्राइमरी डिज़ाइन रिव्यू वो पहले ही कंप्लीट कर लिया गया है। तो अब इसका जो निर्माण है वो भी शुरू हो चुका है। जैसा कि साल की शुरुआत में इसकी जो मेटल कटिंग सेरेमनी है वो हुई थी, और इसके बाद इसका जो प्रोटोटाइप होगा उसके लिए अलग अलग स्टेजेस को जो तेजस MK2 की टीम है उन्होंने यहाँ पर निर्धारित कर लिया है। तो ये बात खुद जो अनंत कृष्णन जी है उन्होंने बताई है। उन्होंने ये भी बताया कि इसके जो प्रोटोटाइप है उसके दूसरे सिस्टम भी काफ़ी ज़्यादा एडवांस स्टेजेस में है, जैसे कि LRDE के द्वारा तेजस MK2 के लिए दो उत्तम ASR DAR के जो ऑर्डर हैं वे दे दिए गए हैं, जिसमें ऑलमोस्ट 1000 TR मॉड्यूल्स मौजूद होंगे, और उनको 2022 अप्रैल में जो है HAL को सौंप दिया जाएगा। और इसके बाद जो तेजस MK2 का पहला प्रोटोटाइप होगा उसे अगस्त 2022 में रोल आउट करने की तैयारी है, ताकि उस समय जो सेरेमनी होगी वहां पर तेजस MK2 को भी शोकेस किया जा सके। और इस सब के अलावा उस समय काफ़ी सारे जो डिफेंस इवेंट हैं वे होने वाले हैं, जैसे कि INS विक्रांत को कमीशन किया जाएगा, INS अरिघट को भी कमीशन किया जाएगा, और इसके अलावा और भी डिफेंस सेक्टर के लिए ऐलान हो सकते हैं। तो ऐसे में HAL भी चाहती है कि उनका जो तेजस MK2 है वो भी वहाँ पर दिखाया जाए, और इससे उनको भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। नहीं तो इसके अलावा जो नवंबर होगा वहाँ तक तो इसका रोल आउट होना फिक्स्ड है। तो लेकिन अभी दो दिन पहले अपडेट आई थी, तो उसके मुताबिक जो तेजस MK2 है उसको फास्ट ट्रैक किया गया है, और इसके अलावा जो हमारा 5.5 जनरेशन का MK फाइटर जेट है उसको भी HAL ने यहाँ पर काम करके जो है लाइन पर ला दिया है, क्योंकि वो भी अपनी टाइमलाइन से आप कह सकते हैं कि फिसल गया था। तो इसके बाद अब हम जान लेते हैं कि तेजस MK2 कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है इंडियन एयरफोर्स के लिए, क्योंकि आप सब ने भी बहुत सारे आर्टिकल्स देखे होंगे और साथ में वीडियोस भी देखे होंगे जहां पर दिखाया जा रहा है कि हमारे जो नए एयर मार्शल है उन्होंने मीडिया इवेंट्स के दौरान और इंटरव्यू के दौरान जो तेजस MK2 है उसको इतना ज़्यादा मेंशन नहीं किया, और अब जो इंडियन एयरफोर्स है वो तेजस MK2 में इंटरेस्टेड नहीं है, और ना ही जो इंडियन एयरफोर्स है वो अब तेजस MK2 को लेगी। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो जो तेजस MK2 है उसको डिज़ाइन किया गया था एक मीडियम वेट कैटेगरी में एक सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट के तौर पर, ताकि वो जो हमारे पास जैगवार और साथ में MiG-29 UPG और जो मिराज 2000 फाइटर जेट है उनको रिप्लेस कर सके, जो कि लगातार यहाँ पर पुराने होते जा रहे हैं, और इस सब के अलावा उनमें टाइम के साथ जो मेंटेनेंस इश्यू है वो भी भारत को फेस करने पड़ेंगे। हालांकि जो मिराज 2000 है वे अच्छे फाइटर जेट है, लेकिन आप सबको पता है कि उनका जो प्रोडक्शन है वो बंद हो चुका है, तो ऐसे में जो स्पेयर्स है उनकी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स अब आती है। तो लगभग इंडियन एयरफोर्स को 80 जैगवार, लगभग 85 MiG-29 UPG और 49 जो मिराज 2000 है उनको रिप्लेस करना है, जो कि ये नंबर लगभग 200 के आसपास का होता है। और इसके अलावा जो इंडियन एयरफोर्स का 5.5 जनरेशन का MK फाइटर जेट होगा वो किसी भी फाइटर जेट को रिप्लेस करने के लिए नहीं, बल्कि एक नया स्पेसिफिक एयरक्राफ्ट को शामिल करने के मकसद से बनाया जा रहा है। और इसके अलावा जो इंडियन एयरफोर्स में जो उनकी कैपेबिलिटीज़ है उनको बढ़ाया जा सके और नई खूबियाँ उनके पास आए उसके लिए उसको जो है बनाया जा रहा है, वो किसी भी स्पेसिफिक जो फाइटर जेट है हमारे पास उनको रिप्लेस करने के लिए नहीं बनाया जा रहा है। तो इसके कारण जो तेजस MK2 की इम्पोर्टेंस है वो और ज़्यादा यहाँ पर बढ़ जाती है। तो इसके अलावा जो MMRCA डील है अगर वो होती है तो लगभग 114 फाइटर जेट उसके तहत खरीदे जाएंगे, जिसमें से ज़्यादातर चांसेस है कि यहाँ पर जो राफेल फाइटर जेट है उसको चुना जाए। तो अगर इस डील को भी अगर आप देखते हैं तो ये भी किसी भी मौजूदा फाइटर जेट को रिप्लेस करने के लिए नहीं है, बल्कि जो इंडियन एयरफोर्स की स्ट्रेंथ है उसको आगे बढ़ाने के लिए है। तो मेनली जो इंडियन एयरफोर्स की जो स्ट्रेंथ है उसको बनाए रखने के लिए अगर कोई फाइटर जेट सामने आता है तो वो है आपका तेजस MK2, क्योंकि MMRCA डील के तहत आने वाले फाइटर जेट्स का जो मेनली फोकस रहेगा वो रहेगा इंडियन एयरफोर्स की जो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है उसको और ज़्यादा यहाँ पर बढ़ाया जाए, जिसको लगभग इंडियन एयरफोर्स 42 स्क्वाड्रन तक करना चाहती है। तो MMRCA डील के होने से भी जो तेजस MK2 की आवश्यकता है वो ख़त्म या फिर यहाँ पर कम बिल्कुल भी नहीं होने वाली है, बल्कि टाइम के साथ जो तेजस MK2
की इम्पोर्टेंस है और आवश्यकता है वो और ज़्यादा बढ़ती जाएगी और तेजस MK2 को लगभग 2030 और 40 के बीच जो हमारे पुराने फाइटर जेट है उनको रिप्लेस करना है, जिसमें दोबारा से मिराज 2000, MiG-29 UPG और इसके अलावा जैगवार फाइटर जेट आते हैं। और इस सब के बीच कुछ जो फाइटर जेट हैं वे क्रैश भी होंगे, तो उनकी जगह भी यहाँ पर तेजस MK2 को लिया जाएगा। और इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स के लिए जो फाइनेंशियली और साथ में कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से ये एक बेटर एयरक्राफ्ट होने वाला है, क्योंकि ये एक सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट होने की वजह से इसकी जो फ्लाइंग पर आर कॉस्ट है वो राफेल और MiG-29 Sukhoi-30 MKI से काफ़ी कम रहेगी। और इसके अलावा जो इसकी मेंटेनेंस है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम होगी, क्योंकि इसमें खास तौर के जो कंपोजिट मटेरियल्स है उनका इस्तेमाल किया जाएगा, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा मेंटेनेंस फ्रेंडली होगा। और इसकी जो यूनिट कॉस्ट है वो भी यहाँ पर ट्विन इंजन फाइटर जेट से कहीं ज़्यादा कम होगी। और इसके अलावा बात करें हम इसकी कैपेबिलिटीज़ की, तो जो इसकी परफॉर्मेंस है, स्पीड, रेंज, वो भी काफ़ी ज़्यादा डिसेंट होगी। और इसके अलावा इसमें राफेल से भी कहीं ज़्यादा पावरफुल AESR DAR का इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि RBE2 AESR DAR में जो कि राफेल में लगता है उसमें लगभग 836 जो TR मॉड्यूल्स है वो मौजूद हैं। और इसके अलावा इसमें उत्तम AESR DAR का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें लगभग 1000 TR मॉड्यूल्स मौजूद होंगे। और इसके अलावा जो इसमें IRST सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा जो कि BEL का होगा, तो वो भी लगभग 100 किलोमीटर की रेंज के साथ आएगा। और वेपन्स में ये 160 किलोमीटर की जो अस्त्र Mk2 मिसाइल है उसे फायर करने में कैपेबल होगा, और 350 किलोमीटर की रेंज में ये लगभग जो SFDR अस्त्र Mk3 मिसाइल है उसे फायर करने में कैपेबल होगा, जो कि मीटियोर की मिसाइल की टक्कर की होने वाली है। तो इस सब के बाद अब आपको पता चल गया होगा कि जो तेजस MK2 है वो इंडियन एयरफोर्स की आने वाले समय में कितनी ज़्यादा बड़ी आवश्यकता होने वाला है। और इस सब के अलावा एक टाइम पर जो Wuhan-19 है उसने तेजस MK2 को डिले कर दिया था, लेकिन अब ये दोबारा से ट्रैक पर आ चुका है और इसका जो प्रोडक्शन है उसको भी सही करने के लिए HAL के पास 2026 या फिर 27 तक लगभग 4 प्रोडक्शन लाइन होगी, जिसमें से चौथी तो वैसे तो खास तौर पर जो हमारा एम का फाइटर जेट है उसी के लिए होगी, लेकिन बाकी की जो प्रोडक्शन लाइन होगी उसका इस्तेमाल तेजस MK2 के प्रोडक्शन के लिए किया जा सकता होगा। और इस सब के अलावा 2023 में इसकी जो फर्स्ट फ्लाइट है वो होगी, और दुनिया के अलग अलग देशों के अगर आप आर्टिकल को देखते हैं तो वे इसके बनने से पहले ही इसको एक बेटर फाइटर जेट बताते हैं, लेकिन हमारे खुद के कुछ लोग हैं वे कहते हैं कि अभी ये फाइटर जेट नहीं बना है, तो खैर इसको तो छोड़ते हैं। तो इसके अलावा जो HAL है वो अब इसको एम का और साथ में ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट की तरह एक अलग फाइटर जेट दिखाना चाहती है। और इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा तेजस MK2 के नामकरण के बाद अब हमारे PM मोदी जी तेजस MK2 का जो नया नाम है वो रखेंगे, और DRDO इसकी टेस्टिंग के लिए जो है टाइम को भी रिड्यूस करना चाहती है ताकि उनके जो प्रोडक्ट हैं वे जल्द से जल्द तैयार हो सके। और तेजस MK2 यहाँ पर जो एम का और ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट के लिए एक बेस के तौर पर काम करेगा, तो इसके साथ कोई ज़्यादा जो टाइम को लेकर रिस्क है वो नहीं लिया जाएगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ में प्लीज़ से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको ऐसी ही डिफेंस से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस है वे मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। We'll be right back.